बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग भी सही सलामत होंगे। चलिए, कोरोना का समय है, इधर उधर नहीं घूमिएगा, घर में ही बैठे रहिएगा। घर में ही बैठ करके अपना पढ़ाई लिखाई करना है। ये कोरोना महामारी छुआछूत की जो बीमारी है ना, ये इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी तो बहुत सा है, लेकिन लोग उस बीमारी से नहीं डरते हैं, क्योंकि वह छुआछूत की बीमारी नहीं है। लेकिन ये तो छुआछूत की बीमारी है ना, इसलिए इससे बचना जरूरी है। तो आइए, वन संरक्षण तो मैंने पढ़ा दिया था, ये सॉरी 6-5 किलस के बारे में जो मैं आपको बताया, हरकुलस तो धैर्य और साहस का परिचय देते हुए असंभव कार्य को संभव करने के लिए अपने मंजिल की ओर चल पड़ा था। सफलता भी उसे मिली, पूर्ण सफलता मिल गई। एक राक्षस था एटलस, वहां पर जाने के बाद उसको सोने का सेव भी प्राप्त हुआ, क्योंकि वह कहा कि देखो, तुमसे संभव नहीं है बगीचा में जाकर के सोने का सेव ले लेना। मैं इस आकाश को अपने कंधे पर जो रखा हुआ हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए तुम रख लो, मैं फ्री हो जाऊंगा और उस भाग से मैं तुम्हें सोने के 3 सेव ला कर दूंगा, उन्हें तुम मुझे दे देना, मैं इस आकाश को पुनः धारण कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। हरक्युलस ने कहा कि ये मस्त, उसने उसके आकाश को धारण कर लिया। एटलस को इतने बहुत बड़े बोझ से मुक्ति मिली, उसने कहा कि बहुत दिनों के बाद आज मुझे इन भारों से, इस भार से मुक्ति मिली है। यस बोलते हुए वह उसी जंगल की ओर चला गया, उसी वन क्षेत्र में चला गया। उसको आने में थोड़ी विलंब हुई। इधर ये हरक्युलस बेचारा सोच रहा था कि हम किस फेरा में पड़ गए, ये राक्षस अब नहीं आया तो जिंदगी भर मुझे ये आकाश को ढोना पड़ जाएगा, अब तो मैं फंस गया बुरी तरह। और अब वो एटलस थोड़े आएगा, जब एक बार वो बोझ से मुक्त हो गया, कोई भी व्यक्ति थोड़े चाहेगा कि पुनः वो बोझ, वो भार मेरे सर पे आ जाए। इसी भेड़ में था हरक्युलस कि देखा कि उधर से वो आ रहा है, 3 गो सेव हाथ में लिए आ रहा है।
उसको देखकर इसे थोड़ी तसल्ली तो हुई। यहाँ पर लाने के बाद हरदुलस को कहा कि देखो सोने का सेव माला दिया हूँ, अब मैं चलता हूँ। कहा कि हरदुलस कहा कि अरे भाई तो ये अपना ये आकाश अपना उठाओ ना फिर। कहा कि तुम मुझे इतना मूर्ख पूछते हो क्या, एक बार मैं इस बोझ से कितने दिनों के बाद मुझे मुक्ति मिली है, अपना चाहते हो कि फिर मैं इस बोझ से दब जाऊं। कहा कि तो ठीक है, थोड़ा सा काम मेरा तुम कर दो, ये बोझ से मैं दबता जा रहा हूं, ज्यादा नहीं दो चार मिनट के लिए तुम इसको उठा दो, तब तक मैं जो बाघ को मारा हूँ उस बाघ का खाल मेरे पास है, उसको मैं मोड़ करके इस कंधे पर डाल लेता हूँ, क्योंकि अभी कुछ नहीं है, इस कंधे पर तो हड्डी है, हड्डी गड़ता है ज़्यादा। अजब वह एक तरह से गद्दे का काम करेगा तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, कितनों दिन तक उठाए रखेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं। ऐसा उसको कह करके विश्वास दिला दिया कि एटलस को विश्वास हो गया। कहा कि तो ठीक है लाओ, दिया। अब जो है जो कि हरक्यूलस कहा कि हाँ इसी समय का तो इंतजार में हम थे, अब तुम इसका भार सहो, हमको मतलब नहीं है। हरक्यूलस वहां से चल दिया। हरक्यूलस बोला तुम थोड़ी देर के लिए इसे थाम लो, मैं इस शेर की खाल को तह करके अपने कंधों पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि इनके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। मूर्ख एटलस हरक्यूलस की बातों में आ गया, उसने सोने के सेब नीचे रखे, आकाश को अपने कंधे पर उठा लिया। एटलस के आकाश को कंधे पर उठाते हैं, हरक्यूलस ने तीनों से उठाए और उसे धन्यवाद देता हुआ चल दिया। मूर्ख एटलस चीखता चिल्लाता रह गया। इस प्रकार हरक्यूलस ने अपनी सूझबूझ साहस और निडरता का परिचय देते हुए सोने के सेब प्राप्त कर लिए। सोने के सेब देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए, उसने हरक्यूलस के साहस और सूझबूझ की खूब प्रशंसा की और उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। तो आज ये कहानी आपकी समाप्त हो रही है। तो ये कहानी इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है बोलिए। कोई भी कहानी होता है उसको पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। अभी जो आपने इस कहानी को पढ़ा, वीर हरक्यूलस
उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने मनोबल को पूरा ऊंचा करके रखना चाहिए, हर समय निडरता का और साहस का परिचय देना चाहिए। निडरता, निर्भय होकर के अगर हम कोई काम करेंगे तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब यहां देखो, एक साधारण सा मनुष्य, इसकी मुलाकात परियों से भी हो गई, लेकिन अपने धैर्य को बनाए रखा और ऐसे सुनसान जगह पर गया कि जहाँ पर अगर उसको कोई मार करके फेंक भी देता किसी को जानकारी नहीं होती। वहाँ जाने के बाद उसे राक्षस सबसे मुलाकात होती है, जो अपना रूप भी बदलता है, वो भी इसको खाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी डर जाता तो वह मर जाता, पूरी शक्ति के साथ डटकर उसका मुकाबला करता है। अंत में वो राक्षस ही हार मान गया। और इसका जो उद्देश्य था उस राक्षस को के यहाँ जाने का, उस उद्देश्य के बारे में भी इसको बहुत जानकारी दी, तुम चले जाओ पहाड़ के कंदराओं में, एक राक्षस मिलेगा जो आकाश को अपने कंधे पर उठाए होगा, उससे पूछना, वो बताएगा। सामान्य आदमी से संभव है अकेले जाना, राक्षस से मिलना, राक्षस से बात करना? लेकिन तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब हम धैर्य, साहस और वीरता से कोई काम करते हैं तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलती है। और यही कारण था कि इस दुर्लभ कार्य को उसने अपने धैर्य और साहस से सुलभ किया और सोने का सेव ला करके उस बादशाह को दे भी दिया। बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह तो बिल्कुल असंभव कार्य था, कैसे इसको इधर रखा किया। तो बस जुनून से किया, आत्मबल से किया। देखिए कहानी जो आपके किताब में होना चाहिए ना, मनोरंजक कहानी सब नहीं है, सारा बकवास कहानी है। कहानी ऐसा होना चाहिए जो उसमें कुछ मनोरंजन भी हो, उसमें उस कहानी से हमें कुछ शिक्षा भी प्राप्त हो। उसमें साहित्य हो, भाषा हो, हकीकत। कहानी को पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो कि यह कहानी बिल्कुल हकीकत हो। ये सब कहानी तो होते, ये सब कहानी कहानी है, 110% ये बात गलत है, कल्पना है। तो ये सब कहानी में कोई रस नहीं है। कहानी का मतलब रस होना चाहिए, पढ़ने पढ़ा पढ़ने वाले को भी मन लगे और पढ़ाने वाले को भी मन लगे तो कहानी। सारा किताब को उलट को मैं कर मैंने देख लिया, एक भी कहानी जो होना चाहिए नहीं है। मन से बनाया हुआ कहानी सब जूता कहता है, बस्ता से
बस्ता कहता है जूता से, इससे तुमको क्या प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ऐसे किताब का चयन नहीं होना चाहिए। खैर जाने दीजिए, अब तो जो किताब है उसी को पढ़ना है। कहानी ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ सामाजिक परिदृश्य झलके, है ना। कहानी से हमें समाज में रहने का अपना एक ढंग हम सीखें, अपना नेचर को सुधारने का ढंग सीखें, प्रेरणा मिले हमें कि उस प्रेरणा उस कहानी के मार्ग पर हम भी चलें और हम भी एक दिन सफल और अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बन जाएं। तो ये कहानी हुआ, ये सब कोई कहानी नहीं है। जूता बोला बस्ता से, बस्ता बोला चप्पल से, बदलाव सोचने की बात है, ये सब कोई कहानी है। इस कहानी को जो अभी आप पढ़े हो, यद्यपि यह एकदम कोड़ी कल्पना है, कोड़ी जरा सा भी इसमें हकीकत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बच्चे हो, कुछ प्रेरणा आपको इससे मिल रही है कि हाँ, जब मनुष्य में साहस हो, जुनून हो, तो मंजिल उसे अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी मिला जुला करके हिंदी भाषा का से संबंधित जो कहानी होनी चाहिए, एक भी नहीं है आपके पुस्तक की। तो कल तो संडे है, इंटरनेट के बारे में बताया, इंटरनेट साइंस का चीज है, इसको साइंस के बुक में होना चाहिए। हिंदी के बुक में घुसा दिया मैं इंटरनेट हूं, क्योंकि हिंदी में तो अब कवियों की कमी हो गई है, लेखकों की कमी हो गई है, कहानियां लिखने वालों की कमी है, क्या करेगा। अब विज्ञान की बात हिंदी में लाएगा, मैथ की बात हिंदी में लाएगा, यही सब अब हिंदी में लाएगा। हिंदी क्या चीज है, हिंदी के अंदर क्या होना चाहिए, ये अभी किसी को मालूम नहीं है। तो ठीक है, अगले दिन मैं इंटरनेट हूं। और एक बात जानते हैं, सब इंटरनेट एक दिन समाप्त हो जाएगा, जैसा देश दुनिया का स्थिति चल रहा है। अब अमेरिका, चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब थर्ड वर्ल्ड वार की ओर जा रहा है, और साइबर अटैक शुरू हो गया है। अंतरिक्ष से पहले युद्ध होगा,
और नतीजा ये होगा कि साइबर अटैक होगा और सारे इंटरनेट के स्क्रीन साफ हो जाएंगे, ये भी संभव है। देखिए आगे आगे क्या होता है। तो आज की जो ये पढ़ाई है उसको यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।